बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने में उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। सोनू सूद अपनी दोस्त नीति गोयल के साथ मिलकर घर भेजो मुहिम चला रही हैं, जिसके चलते वो अब तक 12,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। इस बीच उन्हें लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। ये ट्वीट यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि शुक्र मनाइए कि सोनू सूद जी महाराष्ट्र में नेक काम कर हजारों यूपी के लोगों की मदद कर रहे हैं। यूपी में होते तो यूपी सरकार पहले बसों को स्कूटर बोलती, फिर उनकी फिटनेस का अड़ंग अटकाती और फिर सोनू सूद को जेल में डाल देती। योगी सरकार नेक कार्य सेवा कार्य करने पर जेल भेजती है। आपको बता दें कि इस ट्वीट पर फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। लोग उन्हें सुपर हीरो तक कह रहे हैं। उनकी मदद के जरिए घर पहुंचे लोगों ने उन्हें रियल हीरो बताया है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर भी सियासत करने में लगी हुई है। आपको ये भी बता दें कि सोनू सूद से सोशल मीडिया पर जितने भी लोग संपर्क कर गुहार लगा रहे हैं, वो उन्हें जवाब देकर मदद का भरोसा दे रहे हैं। सोनू सूद ने कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे मजदूरों का दुख देखा नहीं जा रहा है और वो उन्हें घर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन की वजह से हजारों प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। सोनू इन मजदूरों को अपने परिवार मानते हैं और इनके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.